अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस बीच हनुमंत रथ किष्किंधा से अयोध्या पहुंचा। पुराणों में कहा जाता है कि हनुमान के बिना राम काज अधूरे है। ऐसा ही नजारा अयोध्या में देखने को मिला। मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाल हनुमान अपने जन्म स्थान किष्किंधा से रामनगरी हनुमंत रथ पर पधार चुके हैं। जिस तरह राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए संकल्पित है, इसी तरह हनुमान की जन्म स्थली कर्नाटक में हनुमान भक्त उनका मंदिर बनाने को संकल्पित है, जिसकी जमीन आवंटित है और निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके चलते यह हनुमंत रथ देश के हर कोने में पिछले 2 सालों से चल रहा है। यश स्वर्णिम हनुमंत रथ अयोध्या में 2 दिन पहले आया है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस चला जाएगा। इस रथ का पूजन रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से लेकर शंकराचार्य द्वारा भी किया गया। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज 4th दिन है। सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। आज से अगले 3 दिन तक राम मंदिर में कई अहम अनुष्ठान होने हैं।